तो दोस्तों, मेरे भाई ने मुझे पूछा कि गोकू क्या घोस्ट को मार सकता है, रिसेंट गोकू, करंट गोकू। ठीक है, मुझे मेरे भाई ने ये इंस्टाग्राम पे पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो रियल लाइफ में हम देखें तो जो भूत होता है, भूत का असल में कोई बॉडी नहीं होता, उसका मतलब उसके पास में सटल बॉडी होता है। सटल बॉडी में क्या क्या होता है? माइंड, बॉडी एंड इंटेलिजेंस, सॉरी बॉडी नहीं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो एंड सोल होता है। मतलब मन, अहंकार, बुद्धि और आत्मा मिलके सटल शरीर बनता है। ये होता है रियल लाइफ में भूत। उसका कोई फिजिकल मतलब 3D शरीर नहीं होता, ठीक है। लेकिन भूत फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में बात करें, मतलब फिक्शनल एनिमेशन कार्टून की दुनिया में अगर बात करें, तो भूत को मतलब आत्मा को मिटाया जा सकता है फिक्शनल कैरेक्टर में, मतलब फिक्शनल दुनिया में, एनिमेशन की दुनिया में आत्मा का एग्जिस्टेंस से मिट सकता है, आत्मा एग्जिस्टेंस से मिट सकता है। तो क्या हमारा गोकू मतलब आत्मा को मिटा सकता है? जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्टून में बचपन से देखते हैं कि एक भूत के मतलब अगर हम भूत पे अगर हम गोली चलाते हैं या फिर हाथ मारते हैं, तो मतलब आर पार हो जाता है, कुछ भी इफेक्ट ना होता। ऐसे कि ड्रैगन बॉल सुपर में भी दिखाया गया कि मतलब गोटेन और ट्रंक्स जो है वो भूत को मारने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो आर पार हो जा रहा था। लेकिन क्या हमारा गोकू भूत को मार सकता है, मतलब भूत को इरेज कर सकता है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। Goku, ओके। तो दोस्तों, भूत जो है असल में गोकू भूत को इरेज कर सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इरेज कर सकता है, मार सकता है। कैसे? मैं तीनों चीज़ों से इसका प्रूफ लेने वाला हूँ। पहला है प्रूफ है मूवी ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन सागा। उसमें गोकू क्या करता है ना, जानेम्बा को हराता है। जानेम्बा आप जानते हो, जानेम्बा के सिर्फ अपियरेंस है ही, मतलब जानेम्बा किससे बनता है, जानेम्बा को आप जानते हो कि मतलब ब्रह्मांड में आज तक जितने भी जीव पैदा हुए थे, सारे के सारे मर के मतलब हेल प्लानट में थे, वो सारा का सारा इविल एनर्जी जितने भी था, वो सारा का सारा एक मिल गया, मतलब एक बन गया और एक एम्बोडीमेंट बन गया, तो उसका शरीर बन गया जानेम्बा। ठीक है, और जानेम्बा जो होता है मतलब इतना पावरफुल होता है कि उसका सिर्फ अपीयरेंस सा ही, मतलब उसका पहला फॉर्म से ही जब पैदा होता है, तो उससे क्या होता है ना, पूरा ब्रह्मांड का जो सिस्टम है, जो रिलेम होता है, लोअर रिलेम, हायर रिलेम, स्वर्ग स्वर्गलोक का जो रिलेम होता है, वो छेद करके मतलब डायमेंशन टीयरिंग उसको भी कहते हैं, ठीक है, वो छेद करके मतलब वो इधर से मतलब सारा आत्मा आज़ाद हो गए, जॉम्बी की फॉर्म में आ गए या फिर रियल लाइफ में आ गए, ठीक है, उस टाइप का कुछ सीन हुआ वहाँ पे। और उसका सेकंड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और पहला फॉर्म को गोकू सुपर सैन 3 में आराम से धो दिया। लेकिन सुपर सैन 3 भी सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म का जानेम्बा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन जानेम्बा को कौन हराया? फ्यूज़न, फ्यूज़न हराया गोकू और वेजिटा के बीच में फ्यूज़न। तो उस क्या कौन सा शॉट हराया, मतलब कौन सा एनर्जी हराया जानेम्बा को डिफीट किया, वो है सोल पनिशर। सोल पनिशर या फिर कहें तो स्टार डस्ट ब्रेकर, वो जानेम्बा को इरेज कर दिया। जानेम्बा को इरेज करने का मतलब आज तक जितने भी आत्मा थे उसके शरीर में इविल एनर्जी के रूप से करोड़ों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ मतलब सोल्स को इरेज कर दिया सॉरी गोजीटा ने। तो ये हो गया पहला प्रूफ। सेकंड प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ होगा हमारा वेजिटो ने भी ऐसे करके दिखाया है कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स मांगा में, एक वो नॉन कैनन मांगा है, फैन मांगा है, तो उसमें वेजिटो का बेटी जो सनब्रा था, सनब्रा के शरीर में कैप्टन गिनियो घुस गया था। कैप्टन गिनियो को वेजिटो ने थ्रेटनिंग दिया कि तुम मेरे बेटी के शरीर से निकलो, नहीं तो मैं तुमको ऐसा इरेज करूँगा कि सेनरॉन भी तुम्हें वापस नहीं ला पाएगा। तो मतलब वेजिटा के पास इतना भयंकर फिट है। तो ये हो गया, मतलब ये तो बहुत ही पुराना, 2013-12 के बीच में ये सारे मांगा लिखी गई थी।
वो भी मौजूद। क्या हमारा करंट गोकू इनको सरपास कर पाया है अब तक? हाँ बिल्कुल, ड्रैगन बॉल सुपर का जो गोकू है मतलब इतना पावरफुल है कि इनको बहुत ही पीछे छोड़ चुका है। और अभी तो टूर्नामेंट पावर के बाद जो फॉर्म अचीव किया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, वो तो मतलब क्या ही होता भाई, इसका मतलब अलग ही फीड है, वो 4D लेवल बन गया है। क्योंकि वेजिटा इजीली हकाई एनर्जी को कट कर सकता है, हकाई एनर्जी को काउंटर अटैक कर सकता है, और वेजिटा से गोकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो हकाई एनर्जी इजीली एक घोस्ट को आराम से इरेज कर देता है, आपने जैसे कि देखा ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड में। तो इसलिए गोकू का अब अभी वाला जो रिसेंट फॉर्म है करेंट गोकू जो है, उसका नॉर्मल की अटैक से एक घोस्ट को या फिर आत्मा को या फिर सोल को इरेज किया जा सकता है। रिसेंट गोकू के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू, सुपर सैन गॉड गोकू, गॉड की हासिल करने के बाद तो गोकू एक आत्मा को इरेज कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तब नहीं प्लीज़ ज़रूर से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एनिमी फैंस को ये वीडियो बिल्कुल भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अरिगातो गोज़ाइमासु, बाय बाय।